कोरोना संकट के दौर में जब यूरोप में संकट चरम पर है, ऐसे में तमाम फुटबॉल लीग फिर से खुलने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि फिर यूरोप कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कैसे जारी रखेगा। अभी हाल ही में स्पेन में पहली और दूसरी डिवीजन के 5 खिलाड़ियों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, लेकिन इसके बावजूद ला लीगा को 12 जून से शुरू करने की कोशिश जारी है। इस पर ला लीगा के अध्यक्ष जेवियर टेबास ने कहा है कि स्पेनिश लीग ने वापसी को लेकर अपनी योजना नहीं बदली है और ये 12 जून से शुरू हो सकती है। बुंदेसलीगा के मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे और दोनों टीमों के खिलाड़ियों सहित 300 लोगों को रहने की ही इजाजत दी जाएगी। इस बीच ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि यूरोप की टॉप 5 लीग में शामिल स्पेन, इंग्लैंड और इटली भी वापसी की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। वहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग को जून में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो अगस्त तक चलेगा। बता दें कि तमाम प्रीमियर लीग के प्रतिनिधियों की बैठक 18 मई को होगी, जिसके बाद लीग फिर से शुरू करने की योजना पर चर्चा की जाएगी।